नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ग्रामश्री के सामने। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है मछलियों के लिए फीड निर्धारण। तो यदि आप मछली पालन कर रहे हैं तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि आप मछली को कौन सा फीड दें और किस मछली को क्या फीड दें और कितनी मात्रा में फीड दें। तो फीड मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड जो बाजार में आसानी से उपलब्ध है, होममेड फीड जो आप विभिन्न प्रकार के अनाज को मिक्स करके अपने घर में बना सकते हैं। अब सवाल उठता है कि मछलियों के लिए कौन सा फीड बेहतर होगा। तो ये सब निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है। अब जैसे हम चावल दाल खाकर भी पेट भर लेते हैं, वहीं मटन चिकन करके खाकर भी पेट भरते हैं, परंतु किसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसमें फैट ज़्यादा है, तो ये डिपेंड करता है। पर अगर पैसे कम हैं तो चावल दाल खाएंगे, और पैसे हमारे पास बजट हमारा अच्छा है तो हम चिकन मटन भी खाएंगे, होटल में भी जाकर खाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज आपका बजट क्या है, आपका फिनेंशियल प्लानिंग क्या है, आपका उत्पादन लक्ष्य क्या है, कितनी मछलियों का आप उत्पादन करना चाहते हो, आपने कौन सी मछली पाली है, कौन सी मछली रोहू, कतला, नैनी, ग्रास कार्प, सबका फीडिंग पैटर्न अलग होता है, आप किस तरह के वातावरण में मछली पालन कर रहे हैं। सवाल उठता है कि कौन से फीड व्यवहार में लाया जाए। फीड तो दोनों ही अच्छे हैं, फॉर्मुलेटेड और होममेड दोनों। ये निर्भर करता है कि आप कौन सी प्रजाति के मछली का पालन कर रहे हैं। जैसे कि जानवर होते हैं गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी, ये सब अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, और मुर्गी में भी विभिन्न प्रकार की मुर्गियाँ होती है, कड़कनाथ होती है, देसी मुर्गी होती है, ब्रॉयलर चिकन होता है, लेयर चिकन होता है। तो सबको आप अलग अलग तरह का फीड खिलाते हैं और अलग अलग मात्रा में खिलाते हैं। उसी प्रकार मछलियों की भी प्रजाति होती है। तो जो पहली प्रजाति है वो है हर्बीवोर्स, वो मछली जो पेड़ पौधे और मुलायम हरे पत्ते खाती हैं, जैसे जलकुंभी, केले के पत्ते या अन्य इसी तरह के पौधे जो पानी के अंदर ही उगते हैं। दूसरा होता है कार्निवोरस यानी कि मांसाहारी, जो मछली मांस खाती है, फ्लैश खाती है। तीसरा होता है ओमनीवोर्स, जो ऊपर वर्णित मतलब वो मांसाहारी भी होती है और शाकाहारी भी होती है, मतलब दोनों खाते हैं, जो कि अधिकतर हम लोग होते हैं, हम लोग वेजिटेरियन भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार की मछली का पालन करते हैं। जैसे उदाहरण, अगर आप मांगुर मछली का पालन करते हैं, वैसे देसी मांगुर हमारे यहाँ बैन है, थाई मांगुर भी हमारे यहाँ चलता है जिसका वजन लगभग 150 से 200 ग्राम का ही होता है, तो उसको फीडिंग के लिए मांस देना पड़ता है, क्योंकि ये कार्निवोरस मछली है और मांसाहारी मछली है, तो अगर एक बच्चा भी तालाब में उंगली डाले तो ये मछली उसकी उंगली भी काट सकती है। इसीलिए देसी मांगुर मोस्टली बैन है, परंतु थाई मांगुर का पालन अभी भी किया जा रहा है। दूसरा है ग्रास कार्प, ग्रास कार्प वो हरे मुलायम पत्ते और पौधे खाती है जो तालाब में उगते हैं और होममेड फीड दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे लोग वेजिटेरियन होते हैं, प्योरली हरी सब्जियाँ खाते हैं उसी तरीके। तीसरा है पंगास मछली, पंगास मछली, पंगास बोलते हैं एक्चुअली इसको, बचवा भी बोलते हैं लोकल लैंग्वेज में। इस मछली को फैक्ट्री फॉर्मुलेटेड फीड दिया जाता है क्योंकि इससे उसका ग्रोथ ज़्यादा होता है और मुनाफा भी वाजिब सी बात है कि अधिक होगा अगर ग्रोथ ज़्यादा होगा। जो चौथे प्रकार की मछली है वो है मुरेल या स्नेक हेड, या उसको सिकरी मछली भी कहते हैं, शायद उसका नाम पड़ा क्योंकि वो शिकार करके खाना पसंद करती है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप दूसरी नदी से छोटी मछली ला सकते हैं और सिकरी मछली जिस तालाब में है उसमें डाल सकते हैं, जिससे उसकी फीडिंग पूरी की जा सके। तो ये चार प्रकार की मछलियाँ होती हैं, और इससे ज़्यादा जानकारी आपको फीडिंग के बारे में चाहिए तो आप ज़रूर संपर्क करें ग्रामश्री किसान से। धन्यवाद।